दाल का चार बिगोल था मम्मा क्या बनाया। अरे तो मैश करके पत्ता और सूखी ये वाला माय प्रिंसेस ट्राई करके फिर उसमें वो मसाला। चलो मम्मा मगरिब का जुम्मा जुम्मा है आज। चलो टॉप रखी थी ये काफी टाइम से, बहुत बड़ा था उठा के रखी थी, कल ट्राई करे तो बराबर आया तो मेरी चल पहन ले, वैसे नहीं रख ले हाथ में निकाल दो पता 7 नंबर निकाल दे। चलो ये तो इसको देखना निकली है, सुबह हो गई इसकी माही अच्छी है ना, नुमेर को भी इसमें किक मंगवा के दूंगी। उसकी चप्पल का क्या हाल हुआ है नुमेर की? नुमेर तेरे पैर में कौन सी चप्पल है जरा बता दो। मीनू क्या हुआ मम्मा? लो डॉगी आया। मीनू डर मत, कुछ नहीं मैं बैठी हूँ, डॉगी आया। हाँ देखी उसने, नहीं मैं अंदर ले रही उसको। ये भाई तेरी चोटी देख टेढ़ी हो गई है चोटी। चल बाय। अरे 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 तू पकड़ ना तू बैलेंस में। बाय अल्लाह। चल अंदर, डॉगी घूम रहा है बाहर, जा मत। चल चले भैया, सामान निकालने का टाइम ऑलरेडी, अभी जरूरत पड़ रही है सामान की। आपके भैया भजन सुबह चाय पत्ती निकल दी थी, है क्या चाय पत्ती है ना? चाय पत्ती हो या ना, चाय बन देगी पोहा बना। हाँ पोहा, पोहा भी मंगाई। चले आज का जुम्मा वाला ब्लॉग शुरू करते हैं, और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 है ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हो, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपने जमान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों के तरफ नहीं। चले आज का जुम्मा वाला ब्लॉग शुरू करते। चाय पत्ती चाहिए आपके फैयाज भाईजान को? क्या चाहिए? चलो चाय बनाने का। हालांकि सुबह जो बची हुई थी चाय पत्ती, उसमें चाय बना के मैंने और रुमैन ने पी ली है। सबसे पहले मैं बताऊँगी पोहा, पोहा की 2 पैकेट हम लोग को लगता है ना हमें। और ये मेरी माही का टमाटर सॉस, टमाटर सॉस। और ये है चौली जो मैंने पालक की भाजी में उस दिन डाल के बनाई थी ना, बारीक वाली चौली मेरे को बहुत पसंद है। जीरा, मैगी मसाला, और क्या लाए, बटाने, बटाना उसल बनाने के लिए या तो फिर लोगों रगड़ा बनाने के लिए ना। और ये मीनू मसाला चाय पत्ती। हेलो चाय पत्ती, हाँ मसाला चाय पत्ती और चाय मारी मीनू। अच्छा ये जो मसाला चाय पत्ती है ना, इसको ना मैं अदली में मिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा, और फिर हम लोग इसको बनाते हैं। चाय में मिला हुआ है, हाँ टेस्ट आने के लिए, अगर टेस्ट आने के लिए मिला हुआ चला पड़ता। काली मिली कितने की मिली फज्जू दूबी के दर है? रवा हम लोग को, तू नहीं खाता ना रवा, हम लोग तो खाते हैं। रवा की कितनी पैकेट लाए? देखी दो, हाँ दो दो रवा नहीं मैदा है तो। अच्छा मैदे की 4 पैकेट 2 किलो मैदा और 2 रवा 1-1 किलो के 2 किलो। ये डेली के सामान है या तो आप लोग को पता ही है, तो लगती है। अच्छा ये है काबुली चना, काबुली चना मतलब आप लोग को मालूम है, छोले छोले भटूरे बनाने के लिए, छोले के लिए मंगाई जाने, पहले कभी बटाना उसल बनाएंगे, कभी छोले वाला भटूरे बनाएंगे, छोले भटूरे बनाएंगे। और ये क्या है, 1 किलो सेंग इडली के लिए, चटनी चटनी इडली चटनी, मसूर की दाल, तुअर नहीं है मसूर है, मसूर की दाल 1 किलो और 1 किलो तुअर की दाल, 1 किलो तुअर की दाल।
शाहजीरा, बाकी 5 किलो शक्कर। कितना आया है सामान? अच्छा यार, तुअर की दाल 1 किलो ही मंगाई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी तुअर की दाल जो है ना अभी डब्बे में भरी है, 1 किलो भरी, एक मतलब आधा किलो उतनी भरी हुई है, तो इसलिए 1 किलो। क्योंकि ज्यादा भी दालें मंगाएंगे ना फिर वो दाल में ना कीड़े पड़ जाते हैं, पाउडर बन जाता है, दाल खराब हो जाती है। अभी बीच में वो राशन की दुकान से ली थी ना जोगेश्वरी, गई थी, थोड़ी सी खराब हो गई मेरी दाल। कितना महीना हुआ? 2 महीने में खराब हो गई दाल। तो ये है मेरा आज का। और इसमें से 5 पैकेट तेल जो हम लोग ने निकाले हैं, कौन सा ना तेल, राइस ब्रेन ऑयल तेल 4 पैकेट, और ओट्स, माही का मसाला ओट्स भी आया है जो भी मैंने सुबह में निकाली, क्लासिक वाला यूज़ करती हूँ, तो वो सब अभी निकाली। 2 चीज़ हमने निकाल दी। चलो बच्ची तुम्हारी चाय पत्ती भी ले लो और इसको मिक्स करेंगे हम। चलो रजा कर लो उठते छोड़ देना अम्मा उसको, ले ऐसा कटोर से चाय पी रहे, दे तेरे अब्बा को, दे तेरे अब्बा को, दे हिला लो, बोलना बड़ा हिला लो उसको, चाय बनाने बैठ गए हो सुबह से, उठ के उनको चाय। देखो मीनू कैसे खेलती, देखो मारेगी नहीं लेकिन, हाँ ऐसा खेलने को मांगता है। अरे 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 अल्लाह, नहीं काटेगी लेकिन ना, खाली से इधर आती ना। ओए ओए अम्मा आजा, मारी नहीं, नहीं मारेगी, छोटी से नाखून, खाली हल्का से डराती है। देख मीना क्या हुआ, मम्मा क्या हो गया, देख पिराई, देख खेलने आई, खेलने आई, खेलने आई, बस बस बैठने दे, बैठने दे नैनू, मेर परेशान मत कर बोल रही हो, हाँ बैठने दो मेरे को, बस बैठ जाओ, ले बस खुश खुश, दे दे ले फटाफट, ला इधर ला के रख, सब का ठिकाना लगाऊ, पोहा बनाने का है, पोहा बाजू में रख, ज्यादा नाश्ता का ही सामान आ गया। मैडम आपका 5,000 रुपए हुआ है, आप मेरे को दे दीजिए। सामान मेरा 5,000 का नहीं आया, तूने तेरा कितना खाचा मारा, मेरा 2,000 रुपए। पोहा फ्रिज में रखती हूँ ना, बटाने की सेंग भी इधर क्या रखती हूँ, चाय पत्ती मसूर की दाल, रवा बनाऊं दाल डाल के, रवा नहीं बोलता ये, अब ये चला टाकी में अपना राशन कंप्लीट, कल ये तेल मंगाई थी, ये तो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून ही बोलते हैं 185, बट ये आया है आई थिंक 155 का है, 8 पैकेट मंगाई थी।
ये देखो पवा रेडी हो गया, बट देखो ये वाला भी मेरे को लग रहा है थोड़ा से ना, मैंने इसको हल्का से धोई, ज़्यादा भी नहीं, खाली हल्का से पानी डाली और फिर फटक से मैंने इसको कांदे में मिक्स करी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा से मेरे को लग रहा है वो नरम हो गया है, पतला रवा है। तुम बोल रहे थे ये वाला पतला मोटा है रवा, ये भी पतला ही निकला, एकदम पेपर के जैसा रवा है। क्या करूं अभी, उसमें वहां पर लिखा था जाड़ा पौवा, ऐसा लिखा हुआ था, मैंने ले लिया जाड़ा पौवा। क्या क्या बोले, तुम्हारे पास है तो आइडिया बता दो मेरे को, मैं कोई बोल सकता हूँ। बैठ के रहो, कांड कर रहे, डबल कांड। ये जो लगाए थे ना यहाँ पे स्प्रिंग, वो पर्दा लटक लटक के पर्दा ही लटक रहा नीचे, मैंने इनको तभी बोली थी कि तुम रॉड वो लगा दो। क्या पोहा पतला, अरे पतला तो लिखा हुआ है इनो, ये पतला लिखा हुआ है, पोहा पतला, तेरा अब्बू बोल जाड़ा है जाड़ा पोहा बोले, पतला पोहा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कहाँ से फिर वो जाड़ा निकलेगा, उसको डायरेक्ट बनाना होता है शायद पतले पोहे को। नेक्स्ट टाइम ध्यान से बनाऊंगी, अब खाओ ऐसी। ऐसा बनाओ कि मम्मी को हाथ से करने हो। नहीं पर्दा भी नीचे लिड़ता है ना, लिड़ना नहीं चाहिए, ऊपर ही रखा ना, बहुत ऊपर नहीं हो गया, थोड़ा नीचे करो। हाँ बस डबल काम, पर्दा नहीं है ना, आप लोग भी बोल रहे थे कि पर्दा नहीं है, पर्दा लगाई थी मैंने एक्चुअली स्प्रिंग वाला, बट वो पर्दा लटक रहा नीचे, दरवाजा खुलने के लिए बहुत अड़चन हो रही थी, मैं बोली यही लगाओ, इससे क्या पर्दा जल्दी से पुश हो जाता है ना, अभी ना पर्दे के तो मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा है। मीनो माय प्रिंसेस, ये मेरी छोटी प्रिंसेस है क्या, ये हमारी छोटी सी घर की प्रिंसेस है क्या, नाप ले लिया गया है, अभी बिस्मिल्ला बोल के ड्रिल मशीन चालू होने वाली है, बिस्मिल्ला चालू ही नहीं किए लेकिन बटन एक तरफ का बटन बंद, खिलेगा अब नमा आजा बुला रहे, देखो प्लास्टिक वाला उठाओ, देख चार रखा था, देखो प्लास्टिक वाला है क्या, देख कुछ दे दे, एक कम था मेरे घर के अंदर, एक और आया पीस। नुमर तो क्यों पप्पा के जैसा बन रहा आजकल, हाँ क्या किधर है, चलिए गेदा पवा खाना पड़ रहा है, क्योंकि पतला पवा आ गया है, उस पर शायद
पैकेट पे जाड़ा पावा भी आता होगा, वो बोल रहे मेरे को, बट अब उनको पढ़ने नहीं आया इसके लिए उन्होंने ये उठा के लाया। बस बस चलो नुमैर, हेलो बेटा खा ले पहले, तू बचा के लाता है फिर। के फैयाज भाईजान के खजाने की पोटली निकली है, ये पोटली एक ये और एक ये, सब सामान भर के रखते। हाँ देखा लुढ़क जाएंगे, पहले बोल रही देख ले। पापा को 30 साल पहले पछताना चाहिए था, पापा भी पछताना। अंगारे लगाता, झगड़े लगाता बीच में, हाँ झगड़े लगाता मियाँ बीवी के बीच में। वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन। हिल रहा क्यों है वो? बिस्मिल्लाह, ये बाजू करो पर्दा अभी, ऐसा ऐसा करके फिर दरवाजा खोलो, इधर नहीं उधर। हाँ अब दरवाजा खोलो, खुल गया ना अभी, गैप नहीं लेते ना तो फिर पर्दा दरवाजा खोलने के लिए तकलीफ हो जाती है। देखो पूरा आ गया ना, कोने में आ गया ना वो, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे ना तो आराम से पर्दा दरवाजा खुल जाता है। चलो एक काम करके दे दिया आपके फैयाज भाईजान ने, ये उस दिन ही बोली थी बट अभी कम डबल ही हो गया। एक काम और मैंने उनको बोली कि ये जो पर्दा है ना, मैंने बोली कुछ आइडिया करो ना कि मेरे गैस पे भी नहीं टच हो और पर्दा भी लग जाए, बोले करके देता हूँ आइडिया। बाकी मैं थोड़ा सा मैसी लग रहा है ना, मेरे को भी लग रहा है, देखते हैं कुछ आइडिया होता है तो वो भी कर लेते हैं ना, ये भी कर देंगे तो आइडिया बाद में, अभी नहीं अभी फिलहाल गाड़ी पर जाने दो। लेकिन ये छोटा है, ये पहले वाला है ना, एक लेकर आए थे हम लोग ने, एक तो नहीं निकला, एक निकल गया तो ले लिया। हाँ नहीं वो कोने तक, यहाँ थोड़ी खिल्ला टूकेगा, यहाँ तक चाहिए ना। हाँ पर्दा तो मैं वहाँ तक ही लगाऊंगी, स्प्रिंग लंबी लेना पड़ेगा तुमको, वहाँ तक चाहिए स्प्रिंग, क्योंकि वो स्प्रिंग वहाँ तक ही आएगी, फास्फेट की लाना पड़ेगा। हाँ क्योंकि ये टाइल्स पे अपन थोड़ी कर सकते कुछ भी काम, फास्फेट की लाना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ और वहाँ लगा देंगे वो, हाँ तो बीच का पर्दा खाली लग जाएगा, छोटा से लगाती हूँ आइडिया करके। अब तो गर्म है जरा संभाल के लें। हाँ हेलो फज्जो, तुम्हारे लिए मैंने चाय निकाल दी, पी के तुम एकदम तुम्हारा माइंड फ्रेश कर लो, इतनी मेहनत की है ना। चक्कर किसको आई? लेकिन चक्कर आई क्यों? तो सही हो गई तेरी चक्कर? अरे क्या फयाज, चॉकलेट खाई तो चक्कर सही हो गई, ये क्या सीन है? हाँ सही बात है, तो ठीक है ना अभी चॉकलेट खा के माई की चक्कर गायब। सच्ची में चक्कर आई थी पापा? चल तू खा ले, पोहा बनाई मैंने आइडिया की। देखिए आपके फैयाज भाई ने एक लाइट बनाई, ये लाइट खराब हो गई है ना, ये ऊपर का जो है ना ये वाला, ये खराब हो गया है, मेरे को एक और लाइट चाहिए थी किचन के लिए, खाना बनाने के टाइम पे उजाले कम आते। हाँ अब हुई ना, अब देखो उजाला कितना है। क्या ढूंढ रहे तेरे अब्बू? अच्छा नहीं नहीं मैरिज सर्टिफिकेट। ये अंगार लगाओ, देखिए मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रहे क्या? ये देखो पीछे देखो, ये क्या है? ये क्या है? हैप्पी चिल्ड्रंस डे फज्जू, हमारी बेटी पिना दी तुमको। अच्छा ये शी इज योर चिल्ड्रन, हाँ तुम्हारी ज्यादा फिसलती कुछ, अभी तुम क्या ढूंढ रहे हो बताएंगे क्या मुझे? कुछ नहीं यार, पेपर चेक कर रहे, गाड़ी पासिंग के लिए जाने वाली है, पासिंग का टाइम आ गया है इसलिए पेपर निकाल के रख रहे है ना, गाड़ी पासिंग, रिक्शा पासिंग, साल में एक बार पासिंग होती है रिक्शा की। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक मेरा बच्चा, अल्लाह खूब कामयाब करे, अच्छा इंसान बनाए, नेक इंसान बनाए। सलाम अलैकुम गाइस, सलाम अलैकुम, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक,
जुम्मा मुबारक। मीनू को भी जुम्मा मुबारक। चलो माही सुबह मैं आंख पे से नहा के गई थी, अभी फिर आके ना अभी सर पे से नहाई। चले आप सबको जुम्मा मुबारक हो मेरी तरफ से। जा रही हूँ खाना बनाने के लिए अभी। और कल का जो बैदे का गोश्त का सालन बनाई थी ना चिकन का, तो आपके फैयाज भजन खाए और गाड़ी पे निकल गए। अब जा रही हूँ मैं दोपहर का खाना तैयार करने। बच्चे आज घर में ही हैं दोनों भी। आज गुरु नाना एक जयंती है ना, तो इसकी वजह से कॉलेज की भी छुट्टी है और स्कूल की भी छुट्टी है, तो आज दोनों घर में रहेंगे मेरी जान खाने के लिए। चले जाती हूँ खाना बनाते। चले आज आप लोगों के साथ में एक साउथ इंडियन वाली रेसिपी शेयर करती हूँ, मेरी स्टाइल वाली। मैं बना रही हूँ आज दाल का चार। उसके लिए मैंने दाल में जो ना एक टमाटर, दो हरी मिर्ची डाल के, नमक हल्दी डाल के मैंने उसको बॉईल करने रख दिया। यहाँ पे जो है ना लहसुन, जीरा और काली मिरी, और उसके साथ में एक टमाटर मैंने ऐड करके इसको भी ग्राइंड कर लिया। ये है चार का मसाला, तो इसको दरदरा भी आप पीस सकते हो। छोटा मिक्सर का बर्तन होगा ना तो उसमें जल्दी से पीसे जाता है, बट मेरे पास जो है ना बड़ा मिक्सर का बर्तन है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको अच्छे से एक पेस्ट ही बना लिया, तो ये थोड़ा सा पतला ही बन गया। उसके बाद में जो है ना मैंने यहाँ पे इमली जो है ना भिगने रख दिया था आधा घंटा पहले ही, तो इमली को भी उसको मैश करके अच्छे से उसका भी पानी निकाल लिया मैंने। और जो दाल बॉईल हो गई थी उसको घोट के वो दाल में ही मैंने पानी ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ बघारे के लिए जो है ना मैंने कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च और जो मसाला मैंने चार वाला पीसा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ में जो है ना थोड़ी सी हल्दी और नमक बस। अब इसको मैं अच्छे से पका लूँगी, और जब ये पकता रहता ना तो चार की खुशबू आप यकीन करें पूरे घर में घूम जाती है। खुशबू भी घूमती है ताकि पता चल जाए घर में चार बना है। तो ये साउथ इंडियन वालों का स्पेशल डिश है, मतलब ज़्यादा करके ये घर में बनता है, बट इसमें मैंने थोड़ी सी दाल ऐड कर दिया है, तो ये बन गया है दाल का चार। वैसे तो चार बनता है सिंपल सा, बट दाल भी उसमें ऐड कर लोगे ना तो वो और गजब का लगता है। और उसके कॉम्बिनेशन में ना पोरील, मतलब चार और पोरील। तो बटाटा भी मैंने उसका छिलका निकाल दिया, चौड़ा चौड़ा पतला पतला से काट लिया। और इसके लिए जो मसाले लगेंगे ना वो ये वाले हैं जो है मेरे पास। आधा चम्मच जो है ना जीरा पाउडर है, आधा चम्मच तीखी वाली मिर्ची है ना उसका पाउडर है, आधा चम्मच काली मिरी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक अक्खा चम्मच जो है ना वो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ना, एकदम थोड़ा सा, मतलब पाँव चम्मच से भी कम, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर वो बहुत थोड़ा से अजब सा लगता है, मतलब तो इसलिए ना अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं, पाँव चम्मच से भी कम डालती हूँ मैं। तो चले उसके साथ में जो उसको पेस्ट बना के कांदा उसमें ऐड कर लिया, मतलब बघारे के टाइम पे आपने देखे राय कड़ी पत्ता, कांदे को अच्छे से फ्राई करके फिर उसमें वो मसाला ऐड किया, मसाले को अच्छे से भून लिया पानी, मतलब तेल छूटने के बाद में मैंने उसमें जो बटाटे मैंने काटे थे बस उसको भी ऐड कर लिया, और अच्छे से उसको पकाने के बाद में जब ये भुना गया ना अच्छे से तो उसमें पानी मैंने आधा गिलास डाल दिया, और उसको स्लो गैस पे आप छोड़ दोगे ना तो ये मस्त वाली जो है ना पोरील वो बहुत अच्छी लगती है, मतलब चार और पोरील। तो चले आज चार और पोरील मैंने तैयार किया। ये है साउथ वालों की स्पेशल डिश जो बहुत से लोग जो बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनाते हैं, तो ये मेरा स्टाइल वाला है, ये मैं जैसे बनाती हूँ घर में, तो मैंने सोचा चले शेयर कर लेती हूँ आप लोग के साथ में। और हाँ, मैं आप लोग नोटिस करते होंगे कि मैं चार जब बनाती हूँ मैं उसमें दाल ऐड नहीं करती हूँ, बट इस बार मैंने दाल को ऐड किया ओनली बिकॉज नुमैर जो है ना वो सिंपल चार खाता नहीं है, वो बोलता उसको पानी पानी लगता है, बोलता मामा पानी पानी जैसा लग रहा है, तो मैंने बोला चले इस पानी के अंदर ना इसको पानी लगता है ना तो इसके अंदर मैं दाल ऐड कर लेती हूँ तो ये बड़ा शौक से खा लेगा। और यकीन कर ले इतने शौक से खाया उसने दाल का चार, मैं बोलता मम्मा क्या बनाया आपने, तो मैं बोली चल अभी नेक्स्ट टाइम से जो है ना एकदम सिंपल चार नहीं बनाऊंगी, दाल का चार ही बना लूंगी ताकि ये भी खा ले। इससे सिंपल चार भी ना बहुत अच्छा लगता है, और एक एडवांटेज है चार और चावल का, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो ना दूर तो चार और चावल आप बना के जब लेके जाते हो तो एक दिन आराम से चलता है और वो ख़राब भी नहीं होता है। तो कैसे लगी मेरी स्टाइल वाली चार और पोरील की रेसिपी मुझे ज़रूर बताना कि कैसे लगी, और ट्राई ज़रूर करना एक बार, इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। देखिए चार भी तैयार हो गया, पोरील भी तैयार हो गया, मगर आप लोगों ने अभी तक ये मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट तो आया ही नहीं, तो जल्दी जल्दी आप जैसा एक प्यारा सा कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिए। काय माही, मगरिब का टाइम हो गया, इतने मच्छर है ना यहाँ पे भी, बाबा बाहर आए तो मच्छर मच्छर मच्छर। साइकिल लेके गई है,
एक घंटे से। अरे भाई चलो अम्मा मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, चलो अंदर अभी लगा दो साइकिल और जंजीर लगा दो, मगरिब के बाद मंगता तो चला ले 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे या 7:30 बजे तक के। ठीक है, मच्छर दिख रहे आपको कैमरे में, घम 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 घूम रहे क्या है, जंजीर मारना पड़ता है वरना चोरी हो जाएगी गाड़ी। माही को टाले लगाने बराबर आते हैं, लग गया। चलो भाई को पूछ, जाने का नहीं है, जाने का नहीं देखो। हाँ मीनू तो अंदर सोई है, आओ तू इधर, यहाँ पर मालूम है मेरे को अंदर घुसी है वो, मैं नहीं आ रही। तू जा रहा कि नहीं जा रहा? आई दे आई, मैं देखो बुलाने रे, मच्छर काटे मेरे को दम दम मेरे, दो दो से कितना में एक मुश्किल से 2 मिनट ही बैठी मैं। खाना चाहिए उसको, खाना दे दो मेरे को, चल चाय दो, बाहर आके बैठ। हाँ भाई अभी घूम कर आ गए, बस हो गया, अभी घूमने की तो बात ही मत करना मेरे से। हाँ घूमना घूमना घूमना, इसको कौन बिठाया यहाँ पे, लेकिन तू काको बिठाया है उसको, तू बोला ना अभी। हाँ इतना तो है, नुमेर ने फटके खाए ला है, माई ने फटके नहीं खाई है, बहुत ज्यादा कड़क होगी, उसको ही पिलाना है, उसको पीन देना, ज्यादा अदरक भरने लगा रहा है ना ये, बस करना उतना से, कितना भर रही है, हट जा तू हट जा, मैं देख लेती हूँ। अम्मा टल्लो बन रही है, नुमेर तू हट जा, और एक बार यही यही तपेली मेरे पे गिरी थी, नुमा ही पीछे जा, नहीं बस नहीं बस, देखो कौन बोला तेरा पे आने के लिए, अल्लाह अजान हो रही है, चल नुमेर हट जा, नुमेर अजान हुई तक तू चाय पी के भाग जा, चल नमाज के लिए, माई तू हट जा, मेरे को पटाफट पकान दे, तू जा अंदर पकने दे। हाँ तेरे हाथों से, हाँ एक बार बनाई थी मैगी, बनाने आती है उसको किचन पे, कैसा बैठी है देखो, माई आ गई पूरी किचन पे, माई तू बेसन की तरफ जब हार जा, जान हो रही, चल चल मैं चाय बना के देती भाई को, भाई निकलेगा नमाज को और बाद में। कितनी बार ताला खोलती, कितनी बार लगाती साइकिल, इतनी बार निकालती फिर रखती। तो अभी से क्यों पहन रही है, अभी अरबी को टाइम है, तो अरबी का तो लिखना है, अरबी का लिख रही है अली अली। अच्छा मुझे लगा कि स्कूल का लिख रही है, अभी इसको हजरत है ना वो भी सिखा रहे, उर्दू भी सिखा रहे ना, चालू हो चुका है पहला वाला खत्म, चलो अच्छी बात है उर्दू भी सीख लेगी है ना, ये तो बहुत अच्छा ही हो गया, क्या बोलती माई भाई तो चलेंगे, लिखे नहीं, मैं को लिखने पे। नो मेरा भी आया नहीं है, नो मेरा आएगा 10:15 बजे तक आ जाता है। चले ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में एक दूसरे को हमेशा याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।